अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम संसद डायरी में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा की कार्यवाही की बड़ी बातों पर चर्चा करें तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान कई स्थानों पर शहरी इलाकों के भीतर टोल बनाए गए जो गलत और अन्यायपूर्ण हैं और इन्हें हटाने का कार्य एक साल में पूरा हो जाएगा। गडकरी ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान गुरजीत औजला, दीपक बैज और कुंवर दानिश अली के पूरक प्रश्नों के उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शहरों के भीतर पहले बनाए गए टोल एक साल में हटा दिए जाएंगे। इस तरह के टोल में चोरियां बहुत होती थी। उन्होंने कहा कि अब गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा जिसकी मदद से टोल शुल्क का भुगतान हो सकेगा और इसके बाद शहर के अंदर इस तरह के टोल की जरूरत नहीं होगी। मैं सदन को आश्वस्त कर दूंगा एक साल के अंदर सब टोल निकल जाएंगे देश के, पर उसका अर्थ ये है कि टोल नहीं रहेंगे पर आपको जीपीएस पे हमारे केवल रोड के एंट्री पर कैमरा रहेगा, जीपीएस पर आपका इमेज कैच करेगा और जहाँ से जाओगे वहाँ और जहाँ से निकलोगे वहाँ उतना ही पैसा आपसे कटेगा, ना टोल होगा ना रोकेगा कोई ना कुछ होगा और ये एक साल के अंदर हम लोग पूरा करेंगे। इसके अलावा गडकरी ने नई वाहन कबाड़ नीति को ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण सुधार करार देते हुए कहा कि इससे सड़क सुरक्षा में सुधार होगा, वायु प्रदूषण में कमी आएगी तथा ईंधन की खपत और तेल आयात में भी कमी आएगी। लोकसभा में वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा करते हुए गडकरी ने इस संबंध में बयान दिया जिसे उन्होंने राज्यसभा में भी पढ़ा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट के भाषण में स्क्रैपिंग नीति के ऊपर प्रस्ताव रखा था, उस पॉलिसी को पूरी तरह से आपके सामने मैं आज घोषित कर रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत में 51 लाख हल्के मोटर वाहन हैं जो 20 वर्ष से अधिक पुराने हैं और 34 लाख हल्के मोटर वाहन हैं जो 15 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के बिना लगभग 17 लाख मध्यम और भारी कमर्शियल वाहन हैं जो 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं। पुराने वाहन फिट वाहनों की तुलना में 10 से 12 गुना अधिक पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं और जिसके कारण प्रदूषण की समस्या भी हमारे देश में काफ़ी गंभीर है। विशेष रूप से दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को लेकर हम सब लोग चिंतित भी हैं। इसके साथ साथ सड़क सुरक्षा के लिए एक भारी भी जोखिम बनती है और टेक्नोलॉजी लगातार बदल रही है और जिसके कारण स्वाभाविक रूप से पोल्यूशन भी कम होता है, क्योंकि BS6 के इमिशन नॉर्म्स अब हमने स्वीकार किए हैं जिसके कारण पर्यावरण के दृष्टि से और फ्यूल कंजम्पशन के दृष्टि से भी इस बात का विचार होना आवश्यक है। स्वच्छ पर्यावरण, वाहन चालक एवं पदयात्रियों की सुरक्षा के हित में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वॉलेंट्री व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम VVMP अथवा स्क्रैपिंग नीति की शुरुआत कर रही है। यह एक ऐसी विन विन पॉलिसी होगी जिसमें न केवल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने का प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि नए वाहन खरीदने के लिए सामान्य जान मानस को आर्थिक सहूलियत भी मिलेगी। हमने हमारे देश में लगभग 8 लाख करोड़ का क्रूड ऑयल का आयात होता है जिसमें न केवल देश की आर्थिक परिस्थिति पर भी दबाव पड़ता है और पुराने वाहनों की पुरानी इमिशन टेक्नोलॉजी की वजह से अत्यधिक प्रदूषण भी होता है। यह स्क्रैपिंग पॉलिसी एक ऐसी परिस्थिति निर्माण करेगी जिसमें स्क्रैपिंग सेंटर्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कंपोनेंट इंडस्ट्री और सामान्य लोग, इनका सबका फायदा होगा। अभी भी पंजाब में एक इंडस्ट्री ऐसी है कि जो बाहर का स्क्रैप लाकर यहाँ ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स बना रही है। आपको अध्यक्ष महाराज जी ये पता ही होगा कि कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, रबर एंड प्लास्टिक, ये पांचों रॉ मटेरियल जो है ये स्क्रैपिंग के कारण सस्ते हो जाएंगे और हमारे पोर्ट में हमने 18 मीटर ड्राफ्ट बनाया है तो पोर्ट के आजू बाजू में ऑटोमोबाइल क्लस्टर बनाने के लिए प्राथमिकता दी है तो स्वाभाविक रूप से रॉ मटेरियल सस्ता होने के कारण हमारे ऑटो कंपोनेंट्स के भी कीमत में काफ़ी कमी आएगी, 40% कमी आएगी।
इस समय हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देश की सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली इंडस्ट्री है। 7.5 लाख करोड़, अभी मैंने जानकारी ली, 7.5 लाख करोड़ रुपए इसका टर्नओवर है और देश में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाली इंडस्ट्री है और इसका 3.5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट है। तो ये निश्चित रूप से स्क्रैपिंग के कारण हम इंटरनेशनल मार्केट में और कॉम्पिटिटिव बनेंगे और ये जो स्टील, रबर, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, कॉपर सस्ता मिलेगा, इससे ऑटोमोबाइल कंपोनेंट सस्ते होंगे और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और ग्रोथ रेट भी बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल भी बढ़ेगा। उसमें व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम होगी और वाहन के मालिक को व्हीकल का स्क्रैप मूल्य जो लगभग 4 से 6% होता है वो भी मिलेगा एवं स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इसके साथ साथ हमने एक एडवाइजरी भी आज निकाली है कि ये सर्टिफिकेट लेकर नई गाड़ी खरीदने के लिए जो भी कोई व्यक्ति जाएगा उसको 5% नए गाड़ी के कीमत पर सहूलियत दे, इस प्रकार की एडवाइजरी भी भारत सरकार से हमने उनको दी है। स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट के आधार पर नया वाहन खरीदने के लिए 5% की छूट जो है वो मिलेगी और रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स में भी भारी छूट मिलेगी। इससे लोगों को नए वाहनों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित हो गए जिसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर की सेल्स और बढ़ेगी। इसमें जो राज्य सरकार का और भारत सरकार का GST है, अनुमान है कि करीब 30 से 40 हज़ार करोड़ इसमें GST बढ़ेगा क्योंकि नए वाहनों की खरीदी बिक्री होगी। और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि नई टेक्नोलॉजी के कारण जो फ्यूल इफिशेंसी है उसके कारण जो हमारा 8 लाख करोड़ का इम्पोर्ट हो रहा है वो भी कम होगा। मैं आपको विशेष रूप से इस बात को कहना चाहूँगा कि हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने लिथियम आयन, सोडियम आयन, जिंक आयन, एल्यूमिनियम आयन, इस पर काफ़ी बड़ी मीटिंग की और देश में इसरो से लेकर DRDO तक सबको इकट्ठा किया। अभी 81% लिथियम आयन बैटरी हमारे देश में बन रही है और एक साल के अंदर निश्चित रूप से 100% लिथियम आयन बैटरी देश में बनेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसकी कीमत और पेट्रोलियम व्हीकल की कीमत में काफ़ी अंतर है, पर जिस प्रकार से हमारे यहाँ काम हो रहा है देश में, मैं ये विश्वास है कि आने वाले समय में पेट्रोलियम स्कूटर, फोर व्हीलर और डीजल की बस और इलेक्ट्रिक का टू व्हीलर, इलेक्ट्रिक की फोर व्हीलर और इलेक्ट्रिक की बस, इसकी कीमत 2 साल के अंदर लगभग सेम हो जाएगी और जितना पैसा हम डीजल पेट्रोल पे खर्चा कर रहे हैं उससे 10 गुना कम इलेक्ट्रिक पर होगा, इम्पोर्ट भी बचेगा, प्रदूषण भी कम होगा और हमारा देश इस सब नीतियों के कारण जो आज 7.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है ये 5 साल के अंदर 10 लाख करोड़ के करने का हमारा एक प्लान हमने बनाया है। और मैं विश्वास के साथ बताऊंगा कि वर्ल्ड के सभी ब्रांड हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और हम निश्चित रूप से 10 लाख करोड़ की इंडस्ट्री तुरंत बनेंगे और वर्ल्ड का नंबर एक का मैन्युफैक्चरिंग हब इसके कारण हम निश्चित रूप से बनेंगे। सर, ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगभग 3.7 करोड़ लोगों को डायरेक्टली अथवा इनडायरेक्टली रोजगार दिया है और इसका टर्नओवर अभी 7.2 लाख करोड़ का है। स्क्रैपिंग पॉलिसी के लागू होने पर न केवल इन आंकड़ों में वृद्धि होगी पर स्क्रैपिंग सेंटर, ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर की वजह से 10 हज़ार करोड़ का अतिरिक्त निवेश और 35,000 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलने की संभावना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे देश में 22 लाख ड्राइवर्स की कमी है। हर जिले में कम से कम 2 से 3 ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर और कम से कम 2 इस प्रकार के फिटनेस और पोल्यूशन सर्टिफिकेट देने वाले सेंटर्स हम PPP मोड में खोल रहे हैं। मेरा सभी सांसदों को अनुरोध है कि आपके क्षेत्र में इस प्रकार के सेंटर्स करने के लिए जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए आप आगे आइए, सरकार से तरफ विशेष हमने प्लानिंग भी किया है और सहूलियत में उनको कुछ इंसेंटिव भी दे रहे हैं। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट यानी कि अलाइड सर्विस सेक्टर एंड रिसर्च एंड डेवलप क्षेत्र में भी भारत से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। स्क्रैप मटेरियल से ऐसे एलिमेंट भी प्राप्त होंगे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के बैटरीज के रिसर्च में काम आएंगे। उदाहरण के लिए NdFe मैग्नेट जो एक रेयर अर्थ एलिमेंट है, न्यूडोमियम से मिलता है, वो एक काफ़ी महत्वपूर्ण मैग्नेट है और जो अभी इम्पोर्ट हो रहा है जो EV में लगता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, वो स्क्रैपिंग पॉलिसी से हमें मिलेगा। यह मैग्नेट केवल इम्पोर्ट ही होता है, नियमित स्क्रैपिंग अगर की जाए तो उससे नियोडियम भी प्राप्त होगा जिससे ये मैग्नेट भारत में बन सकेंगे। लिथियम, एल्यूमिनियम जैसे मेटल्स की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT इंडस्ट्री के सस्ते दाम पर रॉ मटेरियल प्राप्त होगा। ये जो कंप्यूटर हार्डवेयर की जो वेस्ट है इसमें से भी लिथियम आयन निकालने की प्रोसेस में रिसर्च किया जा रहा है, तो ये एक समय हजारडस वेस्ट है,
तो निश्चित रूप से ये जो हमारी ऑटोमोबाइल की स्क्रैपिंग पॉलिसी है, इसमें जो हार्डवेयर कंप्यूटर वेस्ट है उसको भी हम लिथियम आयन निकालने के लिए उसके साथ भी उसका उपयोग कर पाएंगे। नए वाहन में पुराने वाहन के मुकाबले मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी कम लगती है। नई वाहन लाइटवेट होता है जिसकी वजह से फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ती है, तो उतने ही ईंधन में वाहन ज़्यादा चलता है और प्रदूषित भी कम करता है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि ये विन विन सिचुएशन है, किसी गरीब आदमी का व्हीकल हम ख़त्म कर दें, उसको बंद कर दें, इस प्रकार का भाव इसमें नहीं है। ये एक ऐसी पहल है कि जिसके बारे में सारे स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को सुरक्षित रखा जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेंगे और सामान्य जनता की फ्यूल के कारण मेंटेनेंस कॉस्ट के कारण बचत भी होगी, उनकी सड़क सुरक्षा का भी ख्याल रखा जाएगा और पर्यावरण के संबंध में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प किया है उनको भी पूरा किया जाएगा। मंत्रालय ने अगले कुछ हफ्ते में मसौदा अधिसूचना ड्राफ्ट नोटिफिकेशन प्रकाशित करने का, जो सभी सम्मिलित स्टेकहोल्डर की टिप्पणियां और विचार प्राप्त करने के लिए 30 दिनों का अवधि तक पब्लिक डोमेन में रखा है। स्क्रैप किए जाने वाले किसी वाहन के लिए क्राइटेरिया मुख्यतः वाहनों के व्हीकल फिटनेस पर, जो कमर्शियल वाहनों के मामले में ऑटोमेटेड फिटनेस केंद्रों के माध्यम से और प्राइवेट वाहनों के मामले में नॉन रजिस्ट्रेशन के आधार पर होगा। यह मापदंड जर्मनी, यूके और जापान जैसे विभिन्न देशों के श्रेष्ठ पद्धतियों की वैश्विक मानकों के बेस्ट प्रैक्टिसेस तुलनात्मक अध्ययन के पश्चात अपनाया गया है। किसी भी वाहन का फिटनेस टेस्ट में असफल होने अथवा इसके रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करने में असफल होने पर इसे एंड ऑफ लाइफ ऑफ व्हीकल घोषित कर दिया जाएगा और एंड ऑफ लाइफ है वो स्क्रैपिंग में जाएगा। वाहनों की फिटनेस निर्धारित करने के लिए मापदंड मुख्यतः इमिशन टेस्ट, ब्रेकिंग और कई अन्य परीक्षणों के माध्यम से संरक्षा उपस्करों के जो केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार है उसके अनुसार होगा। यह प्रस्ताव किया गया है कि कमर्शियल वाहन वाहन फिटनेस साबित करने में असफल रहने के मामले में 15 वर्ष के पश्चात अनिवार्य रूप से डिरजिस्टर कर दिया जाएगा। इसे डिसइंसेंटिव्स के रूप में फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए बढ़ा हुआ शुल्क कमर्शियल वाहनों के लिए इनिशियल रजिस्ट्रेशन की तिथि से 15 वर्ष से अधिक वाहन जो है उनके लिए लागू होगा। यह प्रस्ताव है कि यदि प्राइवेट वाहन 20 वर्ष के पश्चात ही अनफिट पाया जाता है अथवा रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कराने में विफल रहता है तो अनिवार्य रूप से डिरजिस्टर कर दिया जाएगा। इसे डिसइंसेंटिव के उपाय के रूप में बढ़ा हुआ रजिस्ट्रेशन शुल्क इनिशियल रजिस्ट्रेशन की तिथि से 15 वर्ष से वाहन के लिए लागू होगा। यह प्रस्ताव है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर निगम, पंचायतों, राज्य परिवहन उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और केंद्र तथा राज्य सरकार के स्वायत्त निकायों के सभी वाहनों को रजिस्ट्रेशन की तारीख से 15 वर्ष के बाद अनिवार्य रूप से डिरजिस्टर्ड और स्क्रैप किया जाएगा। इससे डिमांड भी बढ़ेगी और अच्छे व्हीकल भी मिलेंगे और फ्यूल इफिशियंसी बढ़ेगी, प्रदूषण भी कम होगा। यह योजना पुराने वाहनों के मालिकों को पंजीकृत स्क्रैपिंग केंद्रों, जो मालिकों को स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे, के जरिए पुराने और अनफिट वाहनों को स्क्रैप करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी। इन वित्तीय प्रोत्साहनों में भी शामिल है स्क्रैपिंग सेंटर द्वारा पुराने वाहनों के लिए दिया गया स्क्रैप मूल्य, जो एक नए वाहन के एक शोरूम मूल्य के लगभग 4-6% होगा। सड़क कर से निजी वाहनों के लिए 25% तक और वाणिज्यिक वाहनों के लिए 15% तक का छूट का भी लाभ उठाया जा सकता है। वाहन विनिर्माताओं की स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र के एवज में नए वाहन के खरीदी पर 5% की छूट प्रदान करने की भी एडवाइजरी हमने रिलीज कर दी है, जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर ने निश्चित रूप से मान्य करेंगे ऐसा मुझे विश्वास है। इसके अलावा स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र के एवज में नया वाहन खरीदने के लिए पंजीकरण शुल्क भी माफ किया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय पूरे भारत में पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा RVSF की स्थापना को बढ़ावा देगा और इसी तरह के केंद्रों को खोलने के लिए सार्वजनिक और निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा। यह प्रस्ताव भी है कि गुजरात के अलंग में, जहाँ जो पुराने शिप्स आकर उसका स्क्रैपिंग करके उसको प्रोसेसिंग किया जाता है, वहाँ इंटीग्रेटेड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी खोली जाएगी और जो विशेष रूप से जलमार्ग से, समुद्री मार्ग से जो छोटे देश हैं उनमें जो व्हीकल स्क्रैप किए गए हैं उनको एक प्रेस में प्रेस करके 2,00,000 टन का शिप तक लाने की सुविधा है, पर यहाँ अलंग में उसको लाने के लिए होगा। तो जैसे पुराने जहाज के कारण गुजरात में एक नई इकोनॉमी तैयार होगी, उसके सपोर्ट में ये पुराने वाहनों के कारण भी इसका फायदा होगा और इससे काफ़ी रॉ मटेरियल सस्ता होगा। यह जो प्रस्ताव है अलंग का, इसको भी हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। एकल खिड़की के माध्यम से स्क्रैपिंग सुविधा को एक सरलीकृत पंजीकरण प्रक्रिया के साथ पर्यावरण और प्रदूषण की मानदंडों और कानून के सभी लागू अधिनियमों का अनुपालन करना होगा।
इसी तरह मंत्रालय, राज्य सरकार, निजी क्षेत्र, ऑटोमोबाइल कंपनियां आदि द्वारा पीपीपी मॉडल पर स्वयं चलित फिटनेस केंद्रों की भी स्थापना को बढ़ावा देगी और ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर को भी बढ़ावा देगी। इन केंद्रों में टेस्ट लेन, आईटी सर्वर, पार्किंग और वाहनों का निर्बाध आवाज के लिए ही पर्याप्त स्थान होना चाहिए। हितों के टकराव से बचने के लिए फिटनेस केंद्र के संचालक केवल परीक्षण सुविधा प्रदान करेंगे और मरम्मत बिक्री की अतिरिक्त सेवाएं प्रदान नहीं करेंगे। फिटनेस केंद्र के लिए ऑनलाइन समय लिया जा सकेगा और परीक्षण रिपोर्ट भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में तैयार की जाएगी। प्रस्तावित स्क्रैपिंग नीति के आवेदन के लिए संभावित समय सीमा इस प्रकार है। फिटनेस परीक्षण और स्क्रैपिंग केंद्रों के लिए नियम 1 अक्टूबर 2021। 15 वर्ष से अधिक पुराने सरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों के वाहनों में की स्क्रैपिंग 1 अप्रैल 2022। भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए फिटनेस परीक्षण अनिवार्य 1 अप्रैल 2023। अन्य सभी श्रेणियों के लिए चरणबद्ध तरीके से फिटनेस परीक्षण अनिवार्य 1 जून 2024। इस नीति के द्वारा हमारे देश में हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो आज 7.5 लाख करोड़ का टर्नओवर करती है और 3.5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करती है, वो निश्चित रूप से आने वाले 5 साल के अंदर 10 लाख करोड़ से भी ऊपर जाएगी। सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली इंडस्ट्री है। इसके साथ साथ इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायोसीएनजी, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन फ्यूल सेल, इस पर भी हम काम कर रहे हैं। और लिथियम आयन के साथ सोडियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, जिंक आयन और स्टील आयन, इस पर भी काम कर रहे हैं। और हाइड्रोजन फ्यूल सेल की कुछ गाड़ियाँ भी अब आई है प्रायोगिक तत्व पर, जिसमें पानी से ग्रीन हाइड्रोजन तैयार होगा। तो ये सब नीतियों के कारण इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। तो मुझे लगता है कि ये बहुत विन विन सिचुएशन है, जो पर्यावरण के लिए भी बहुत आवश्यक थी। और डीजल और पेट्रोल क्रूड ऑयल का इम्पोर्ट भी कम करेगी, रोजगार भी निर्माण करेगी और देश के ग्रोथ रेट को भी कंट्रीब्यूट करेगी। और जिसका व्हीकल जो पुराना है, जिसके ऊपर आप काफ़ी चर्चा होती है कि गरीब आदमी क्या करेगा, तो उसकी फ्यूल इफिशेंसी बहुत ज़्यादा है, तो वो नए टेक्नोलॉजी के कारण उसका माइलेज डबल होगा, तो पोल्यूशन भी कम होगा, उसकी भी इकोनॉमी बदलेगी। और अब हम ग्रीन हाईवे बना रहे हैं, तो दिल्ली से मुंबई 4 ट्रक 1 बार 4 ट्रिप मार सकते थे, अब 8 ट्रिप मार पाएंगे, इतने हाईवे हैं। 18 घंटे में दिल्ली मुंबई ट्रक चला जाएगा, तो ये लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होगी, जो हमारे इंटरनेशनल एक्सपोर्ट के लिए उपयोगी होगी। तो ये विन विन सिचुएशन है, आज इसकी शुरुआत हुई है, आप सबके सहयोग इसमें मिला है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, नमस्कार। इसके अलावा केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के विशेष प्रावधान खत्म किए जाने के बाद वहां समस्याओं के समाधान का रास्ता साफ हो गया तथा उनके मंत्रालय की योजनाएं भी वहां लागू हो रही हैं। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान रवनीत सिंह बिट्टू, नमा नागेश्वर राव और कुछ अन्य सदस्यों के पूरक प्रश्नों के उत्तर में नकवी ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का अल्पसंख्यक समाज के लोगों को बहुत फायदा हुआ और इसमें भी 50% लाभार्थी महिलाएं रहीं। इसके अलावा लोकसभा में कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर सरकारी संपत्तियों को बेचने और पेट्रोल, डीजल तथा रसोई गैस की बढ़ी कीमतों पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया और राज्यों के हिस्से का राजस्व देने और आर्थिक विकास में सभी राज्यों को साझेदार बनाने की मांग की। एनसीपी ने जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से यह स्पष्ट करने को कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की कितनी हिस्सेदारी बेची जा रही है, वहीं शिवसेना ने कहा कि वित्त मंत्री को अपने जवाब में बताना चाहिए कि महंगाई को कम करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। लोकसभा में अनुदान की अनुपूरक मांगे वर्ष 2020-21 के लिए दूसरे बैच पर चर्चा के दौरान विपक्षी दलों ने यह टिप्पणी की। सरकार की ओर से चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा LIC का निजीकरण नहीं किया जा रहा है, इसके लिए केवल प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश यानी IPO लाने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा लोकसभा में मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने मथुरा रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण की सराहना करते हुए 2 नए रूटों पर ट्रेन चलाने की मांग की। एक सपना था कि मथुरा स्टेशन बहुत ही सुंदर हो, जिसके लिए मैंने बहुत सारे अच्छे डिजाइंस भी बनाकर हमारे रेल डिपार्टमेंट को दिखाया था। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं हमारे रेल मंत्री और सारे डिपार्टमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने ब्यूटिफिकेशन किया है, इतना अच्छा किया है कि देश विदेश से आने वाले बहुत खुश हैं, बहुत सारी सुविधाएं भी दी हैं और साफ़ सुथरा भी है। लेकिन मेरी 2 मांग है, एक है आगरा फोर्ट से मथुरा होते हुए काठगोदाम जो जाती है, जो एक्सप्रेस ट्रेन, उसको रोक दिया गया है पिछले कई सालों से, क्योंकि रेल कन्वर्शन
मीटर गेज से उसको ब्रॉड गेज करने की ये जो डेवलपमेंट कार्य की वजह से उसको कई सालों से बंद रखा गया है। अगर डेवलपमेंट हो गई है तो उसको खोलना चाहिए, जिसकी वजह से बहुत असुविधा होती है उत्तराखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश से आने वाले यात्रियों को। मथुरा आने जाने में तकलीफ़ होती है और साउथ इंडिया जाने के लिए भी बहुत तकलीफ़ होती है। तो मेरी यही मांग है कि इसका जल्द से जल्द इसको खोल दिया जाए, शुरू करें और प्रतिदिन होना चाहिए। और दूसरी मांग ये है मथुरा डायरेक्ट अलीगढ़ के लिए देर इज़ नो ट्रेन, ना रेलवे ट्रैक भी नहीं है, हाँ, जिसकी जो बहुत सारे संख्या में हमारे मथुरा में आने वाले तीर्थ यात्रियों को बहुत असुविधा है। अगर ये कनेक्शन मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसके लिए मेरा सुझाव यही है कि मथुरा हाथरस के बीच में से उस डाइवर्शन को ले सकते हैं। दिस इज माय सजेशन। सो अगर ये करेंगे तो मैं भी खुश रहूँगी, हमारे मथुरावासी खुश हो जाएंगे और देश विदेश से आने वाले सारे यात्रियों का भी बड़ा अच्छा रहेगा। राज्यसभा की कार्यवाही की बात करें तो कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी सदस्यों ने बीमा संशोधन विधेयक का विरोध करते हुए भारी हंगामा किया, जिससे सदन की कार्यवाही में कई बार व्यवधान पड़ा। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि सरकार ने पहले ही बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI बढ़ाकर 49% कर दिया है और अब इस विधेयक के जरिए यह सीमा 74% की जा रही है। उन्होंने विधेयक को संबंधित स्थायी समिति में भेजे जाने की मांग की। इसके अलावा राज्यसभा में सरकार ने कहा कि कोविड काल में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र बहुत मददगार रहा, क्योंकि महामारी के संकट काल में जब सब कुछ बंद हो गया था तब IT क्षेत्र ही एक ऐसा क्षेत्र था जिसके माध्यम से बच्चों की पढ़ाई, अदालतों में मामलों की सुनवाई और लोगों का कामकाज निर्बाध रूप से चला। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान यह जानकारी दी। इसके अलावा तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी TRS के एक सदस्य ने राज्यसभा में देश में आरक्षण नीति के क्रियान्वयन पर निगरानी के लिए एक कार्यबल गठित करने की मांग की। शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए TRS के बंदा प्रकाश ने कहा कि IIM और IIT जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों और सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों में भी आरक्षण नीति का अनुसरण नहीं हो रहा है। इसके अलावा सरकार ने राज्यसभा में आज एक और महत्वपूर्ण बात कही और कहा कि सोशल मीडिया पर फर्जी पहचान के जरिए अकाउंट बनाकर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के मामले को लेकर सरकार गंभीर है और इस पर काबू पाने के लिए संबंधित कंपनियों को स्वैच्छिक रूप से लोगों की पहचान का सत्यापन करने को कहा गया है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी। उधर राज्यसभा में गुरुवार को विभिन्न दलों के सदस्यों ने बच्चों और महिलाओं में कुपोषण, दिल्ली व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR में प्रदूषण और COVID-19 महामारी के मद्देनजर छात्रों में बढ़ते तनाव जैसे मुद्दों को उठाते हुए इन पर चिंता जताई और सरकार से इनके समाधान की दिशा में समुचित कदम उठाने की मांग की। भाजपा के ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शून्यकाल में बच्चों और महिलाओं में कुपोषण का मामला उठाते हुए कुपोषण उन्मूलन मिशन आरंभ करने और एक स्वतंत्र कुपोषण उन्मूलन प्राधिकरण गठित करने की मांग की। राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा ने कोरोना के मद्देनजर देश भर में लगाए गए लॉकडाउन के कारण शिक्षा से वंचित रहे प्राथमिक और उच्च विद्यालयों के करीब छात्रों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इस वजह से कई छात्रों ने आत्महत्या तक कर ली तो कई अवसाद में चले गए। भाजपा के DP वत्स और शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने दिल्ली और NCR क्षेत्र में प्रदूषण की स्थिति पर चिंता जताई और इस दिशा में गंभीर कदम उठाने का आह्वान किया।